वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस फाइनल टर्म में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर से हैं और इनकी स्लाइड जो है ये भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, इसका लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ शुड द एंटरप्रेन्योर टेक द इंटरव्यू फ्रॉम द एम्प्लॉई, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को जो है वो इंटरव्यू लेना चाहिए एम्प्लॉई से। उसके बाद है विच टाइप ऑफ लोन्स द बैंक विल इशू इफ एंटरप्रेन्योर हैज क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स, किस तरह का जो लोन है बैंक जो है वो इशू करेगा अगर एंटरप्रेन्योर के पास क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स हैं तो। उसके बाद है इट इज सेड दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर मीन फॉर प्रमोशनल टूल, व्हाई डू यू थिंक दैट इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो एक्चुअली प्रमोशनल टूल के लिए है एक तरह से। कितना क्या आप समझते हैं कि ये किस हद तक सही चीज है। उसके बाद है लोन एप्लीकेशन इज कॉल्ड मिनी बिजनेस प्लान, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट है कि लोन एप्लीकेशन जो है वो कहलाता है मिनी बिजनेस प्लान, तो इस कमेंट करनी है आपने इस स्टेटमेंट के ऊपर। उसके बाद है व्हाट इज स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन्स, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन्स क्या है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे आर यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, और कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पर एंटरप्रेन्योर जो है वो इनको यूज करता है। उसके बाद है इन विच वे इज द लॉज इज फ्लेक्सिबल फॉर एस टाइप कॉरपोरेशन, एस टाइप कॉरपोरेशन जो है उसके लिए लॉ जो है फ्लेक्सिबल है कौन से तरीकों के अंदर। उसके बाद है हाउ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स मे बी मैनेज बाय एंटरप्रेन्योर, किस तरीके से कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो मैनेज होती है एंटरप्रेन्योर से, किस तरह मैनेज करता है वो, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरिम इनकम स्टेटमेंट, और इम्पोर्टेंस जो इंटरिम इनकम स्टेटमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस को जहन में रखते हुए आपने जो है बताना है ये बात। उसके बाद गिव अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लिस्ट देनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की दैट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर डेवलपिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस डेवलपिंग के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री की इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। हाउ कैन एंटरप्रेन्योर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम, किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट कर सकता है और लीड कर सकता है अपनी टीम को। उसके बाद व्हेन SSIC was established, define its objective and function, कब SSIC establish हुआ इसके objectives और function define करें। उसके बाद है how much managerial control entrepreneur has in various major forms of business ventures। उसके बाद है role of NGOs, NGOs का जो role है वो भी आ सकता है। उसके बाद है a joint venture is a good option in a making alliance, joint venture एक अच्छा option है alliance बनाने के लिए, what factors contribute in the success of a joint venture, कौन से factors जो है वो contribute करते हैं joint venture की success के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। उसके बाद analyst करना होगा आपको few disadvantages of acquisition, acquisition जो होता है उसके कुछ disadvantages analyst करना होंगे आपने। उसके बाद है सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, अब ये जो एक केस स्टडी की तरह का क्वेश्चन है कि आप वर्क कर रहे हैं एबीसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे, योर कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू वेंचर इन द सर्विस बेस्ड बिजनेस, आपकी कंपनी लॉन्च करना चाहती है एक नया वेंचर सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, सो व्हाट स्टेप योर मार्केटिंग प्लान विल इंक्लूड, सो मार्केटिंग प्लान जो होगा आपका उसके अंदर क्या स्टेप जो है वो इंक्लूड होंगे। उसके बाद है व्हाट इज एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या है, हाउ कैन इट हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट हिज बिजनेस, किस तरीके से ये एंटरप्रेन्योर की मदद कर सकती है उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाउ व्हाट इज एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, और उसके अच्छा ये दोबारा लिख दिया है, एक ही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया गया यहाँ पे, सो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या है और किस तरीके से वो मदद करती है एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद है लिस्ट डाउन द मोस्ट इफेक्टिव सोर्सेज फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉई एट एंट्री लेवल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल इन अ वेंचर, यानी कि लिस्ट देनी है, लिस्ट डाउन करना है जो मोस्ट इफेक्टिव सोर्सेज है एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की एंट्री लेवल के ऊपर भी और सीनियर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी वेंचर के अंदर। उसके बाद है डिस्कस स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम अलॉन्ग विद इट्स वेरियस फेज, डिस्कस करना है जो स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम है उसके वेरियस फेजेस के साथ। उसके बाद है व्हाट डस इन्वेंटोरी टर्नओवर मीन, इन्वेंटोरी टर्नओवर का क्या मतलब है और हाउ इज इट मेजर, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद है डिस्कस द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एट डेवलपमेंट बोर्ड, फंक्शन जो है उसको डिस्कस करना है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका। उसके बाद हाउ कैन एंटरप्रेन्योर एनहेंस द मोटिवेशन इन द एम्प्लॉय, किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो एनहेंस कर सकता है यानी बढ़ा सकता है मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर, लिस्ट डाउन एनी फाइव मोटिवेशनल फैक्टर, सिर्फ पांच मोटिवेशनल फैक्टर्स की लिस्ट डाउन करना है।
उसके बाद सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ योर बिजनेस, सपोज करें कि आप जो नेट वर्थ अपने बिजनेस की कैलकुलेट करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट विल यू यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अब कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करेंगे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, और ऑल्सो डिस्कस इट्स की फीचर और उसके की फीचर्स भी बताएं, तो ये आपने बताना है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरियल टॉट डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट टॉट्स, अब इसके बारे में भी आपने बताया कि एक एंटरप्रेन्योरियल टॉट्स जो है किस तरह डिफर होती है मैनेजरियल टॉट्स से। इसके बाद एक्विजिशन डिफर फ्रॉम जॉइंट वेंचर, अब एक्विजिशन अलग है जॉइंट वेंचर से, इसके बारे में बताना हो सकता है आपको। और फिर है वाई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूट्स इन पाकिस्तानी एनवायरमेंट, डिस्कस रीजन। अब स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो पाकिस्तानी एनवायरमेंट को सूट क्यों करती हैं, इसके बारे में डिस्कस रीजन करना है, रीजन बताने हैं। उसके बाद है डिस्कस स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च जॉइंट रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम अलॉन्ग विद इट्स वेरियस फेसेस, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद है ये भी दोबारा आ गया, अच्छा अब है डिस्कस द रोल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो रोल है डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज का स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, उसको डिस्कस करना है। ट्रेड शोज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ द न्यू वेंचर, अब जो ट्रेड शोज होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फीचर में से है प्रमोशन के नए वेंचर के। डू यू थिंक डेट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड गो फॉर दिस टूल, क्या हर एंटरप्रेन्योर को इस टूल के लिए जाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपने बताना है। उसके बाद सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, आप सपोज करें कि आप नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, थ्रू हाउ मेनी वेज यू आर एबल टू गेट कैपिटल, किस तरीके से आप कितने तरीकों से आप कैपिटल हासिल करेंगे, कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज, और बिजनेस एंटिटीज को भी आपने अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है, उसको मद्देनजर रखते हुए बताना है। सो वट मैनेजमेंट प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम अ रैपिड ग्रोथ ऑफ अ न्यू वेंचर, अब जब तेजी से ग्रोथ होती है एक नए वेंचर की तो उससे क्या मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, यह बताना होगा आपको। और हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी कॉप, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को कॉप किया जाए, मुकाबला किया जाए। उसके बाद है वट इज द एजुकेशनल एंड स्किल लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उनका एजुकेशनल और स्किल लेवल क्या है। उसके बाद है वाई इज इट इज रिकमेंडेड डेट एंटरप्रेन्योर्स शुड राइट चेक वीकली, कि ये क्यों रेकमेंडेड है कि एंटरप्रेन्योर को जो है वो लिखना चाहिए चेक जो है वो वीकली, चेक्स जो है वीकली, व्हाई शुड द कैंसिल चेक बी कीप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, और कैंसिल चेक को भी क्यों रखना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, क्यों करना चाहिए ऐसा, इस बारे में भी आपने रीजन देनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की टू सक्सेस इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी की सक्सेस की एक की है, चाबी एक तरह से, तो इस स्टेटमेंट को आपने सपोर्ट करना है, कुछ इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देने। एंड डू यू बिलीव दैट इन अवर सोसाइटी वुमेन आर नॉट एनकरेज टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या ये आप बिलीव रखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेन को एनकरेज नहीं किया जाता कि वो हिस्सा लें जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है, तो इसके बारे में आपने बताना है। और डिस्कस इन डिटेल विद रेफरेंस टू करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान, और ये आपने डिस्कस करना है उस डिटेल के साथ जो करंटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, करंटली प्रिवेलिंग कर रही है, उसके हिसाब से आपने बताना है इस बारे में। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस दैट लीड टू द फेलियर ऑफ सम बिजनेस प्लान्स, कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ बिजनेस प्लान जो है वो फेल हो जाते हैं या उसका सबक बनते हैं। एंड सपोज यू आर हायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर, सपोज करें कि आपको हायर किया एक एंटरप्रेन्योर ने हु इज नॉट कैपेबल ऑफ असेसिंग द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लान, जो इस काबिल नहीं है कि वो असेस कर सके जो नीड है फाइनेंशियल प्लान की, हाउ वुड यू सजेस्ट हिम द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल प्लान, किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे उसको बेसिक करेक्टरिस्टिक एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान की। उसके बाद है व्हेन एंड व्हाई दिस पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश, कब और क्यों पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था, एंड हाउ इज इट इट इज यूजफुल इन प्रमोटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, किस तरीके से वो यूजफुल है प्रमोट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एंड व्हाई अ बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू एंटरप्रेन्योर, क्यों एक बिजनेस प्लान जो वैल्यूएबल है एंटरप्रेन्योर के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर और इवन न्यू पर्सनल। उसके बाद सपोज यू आर वर्किंग ऑन योर ऑटोमोबाइल बिजनेस, सपोज करें कि आप वर्किंग कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस पे, आफ्टर अ ईयर यू वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, एक साल के बाद आप जानना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट रेशियोज यू विल फाइंड टू फाइंड आउट द एक्चुअल रनिंग ऑफ योर बिजनेस, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन से रेशियोज आप जो है वो यूज करना चाहेंगे फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए कि जो एक्चुअल रनिंग है आपके बिजनेस की। उसके बाद सपोज यू हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करें कि आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर इमरजेंसी टीम, जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर अपनी इमरजेंसी टीम का, विच विल पार्टिसिपेट इन डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज, जो कि पार्टिसिपेट करेगी डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज में, व्हाट फैक्टर विल यू कंसिडर, तो कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे।
उसके बाद इट इज सेट दैट अ मार्केटिंग प्लान ऑलवेज कैरीज विद इटसेल्फ द एडवांटेजेस ऑफ योर बिजनेस प्लान. ये कहा जाता है कि मार्केटिंग प्लान जो है वो हमेशा कैरी करता है विद इटसेल्फ द एडवांटेजेस फॉर बिजनेस प्लान. एडवांटेजेस जो है वो बिजनेस प्लान के लिए, आपके बिजनेस प्लान के लिए. इट इज ट्रू बट बींग द स्टूडेंट ऑफ एम बी ए विल यू परसीव दैट द मार्केटिंग प्लान कैरीज सम एडवांटेज विद इटसेल्फ टू. सो एम बी ए के स्टूडेंट होते हुए विल यू परसीव, क्या आप परसीव करेंगे कि मार्केटिंग प्लान जो है वो कैरी करता है सम डिसएडवांटेज विद इटसेल्फ टू, कुछ डिसएडवांटेज भी अपने साथ इस बारे में. एंड ऑल्सो डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग प्लान, और सब कुछ मार्केटिंग प्लान के जो एडवांटेजेस हैं उनको भी डिस्कस करें. तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए. आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, वहां से आप इसको हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज के शॉर्ट क्वेश्चंस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.